हाय एवरीबॉडी गणितक माइंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर नंबर फोर्थ में हम लोग ई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं ई पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने अटेम्प्ट किया था उसमें देखा था कि जो बेसिक्स हैं ई से पहले मीनस मेथड वन जो हमने यूज़ किया था वो हमारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था जो भी क्वेश्चन है वो क्या एग्जैक्टली exactly है ना और उसको हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू फिर उसके अंदर एडियल डाल करके फिर हमने उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की कि एक अंडरस्टैंडिंग बन सके इसी अगर देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर दो है है ना क्वेश्चन नंबर अगर दो में देखा जाए कि पूछ क्या रहा है आपसे तो आपसे बोल रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म थ्री क्यू और थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू सम इंटीजर क्यू है ना तो कह रहे हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर है ना कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो या तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है थ्री क्यू टाइप से या फिर थ्री क्यू प्लस वन टाइप से या फिर थ्री क्यू प्लस टू टाइप से है ना और यहाँ पे आपका क्यों क्या है यार क्यों कोई भी इंटीजर्स है तो सबसे पहले बात तो देखा जाए क्वेश्चन पे क्या है एनी पॉजिटिव इंटीजर है ना तो पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं अपन लोग पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर यार आपका होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड सन है ना ऐसे चलते चले जाएंगे ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन्हीं के बारे में बोल रहा है क्वेश्चन पे कि जो ये नंबर्स हैं इनको जब आप इनका जनरल फॉर्म लिखोगे या जनरलाइज करोगे तो ये याद तो वो 3q रूप में दिखेंगे या 3q 1 फॉर्म में दिखेंगे या 3q 2 फॉर्म में दिखेंगे तो सबसे पहले एक-एक करके यहाँ पे 3 है ना अगर देखा जाए 3 है दैट मींस जो डिवाइजर है है ना क्वेश्चन पे हिंट के गिवन होता है कि आप डिवाइजर क्या ले सकते हो तो अगर देखा जाए डिवाइजर तो डिवाइजर यहाँ पे क्लियर है डिवाइजर है आपका 3 डिवाइजर आपने 3 ले लिया एक एक करके नंबर लेते हैं अपन लोग और उनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं वन को थ्री से डिवाइड करेंगे तो जीरो टाइम्स क्या थ्री इन टू जीरो जीरो आएगा और आपका वन कैरी हो गया दूसरा अगर नंबर ले हम लोग टू ले लिया जब आप टू को थ्री से डिवाइड करोगे तो ज़ीरो टाइप्स जाएगा ज़ीरो इंटू थ्री ज़ीरो आएगा रिमाइंडर आपका टू आ गया अगेन अगर आपने थर्ड नंबर लिया है वो थ्री है थ्री जैसे लोगे थ्री को थ्री से डिवाइड करोगे तो वन टाइम्स जाएगा थ्री इंटू वन थ्री इंटू वन आपका थ्री हुआ और थ्री से थ्री सब करोगे ज़ीरो मिल जाएगा अगला अगर नंबर्स का डिवीज़न देखोगे है ना कुछ यही भी बस नंबर इतना ही लिख रहे हैं अपन लोग दूसरे अगर नंबर लिखाए जाए तो आप ये बोल सकते हैं फोर को है ना फोर को अगर आप डिवाइड करो थ्री से तो वन टाइम्स जाएगा थ्री इंटू वन थ्री हो जाएगा रिमाइंडर आपका वन हो गया इसी तरह अगर आप लोग आगे देखेंगे यहां पे हमने फाइव को डिवाइड किया फाइव को थ्री से डिवाइड करो तो वन टाइम्स जाएगा थ्री इंटू वन थ्री हो जाएगा रिमाइंडर आपका टू हो जाएगा अगेन अगर आप नंबर लेंगे तो सिक्स ले सकते हैं जैसे आपने सिक्स लिया तो सिक्स को जब आप थ्री से डिवाइड करोगे टू टाइम्स जाएगा थ्री इंटू टू आपका सिक्स हो गया सिक्स डिवाइडेड सिक्स सब्ट्रैक्टेड बाई सिक्स जीरो हो गया यहाँ पे एक नंबर ज़ीरो आया अगेन अगर आप देखिए सेवन को डिवाइड करें जब आप सेवन को डिवाइड करोगे थ्री से तो आप देख रहे हैं यार टू टाइम्स जा रहा है थ्री इंटू टू आपका सिक्स होगा रिमाइंडर आपका वन बच जाएगा आगे अगर अपन लोग आए एट को डिवाइड करें थ्री से तो टू टाइम्स जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स हुआ आपका टू रिमाइंडर बच गया और लास्ट में अगर आप नाइन को डिवाइड करो थ्री से तो थ्री टाइम्स जाएगा थ्री इंटू थ्री नाइन हो गया आपका और रिमाइंडर ज़ीरो आया तो आपको एक पैटर्न चल पड़ रहा है ना पैटर्न पता चल रहा है कि जो यहाँ के नंबर्स हैं है ना इन नंबर्स को अगर अपन लोग लिखें आप इनको लिख सकते हैं इन नंबर्स को अगर लिखने जाएं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वन है ना डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इन टू प्लस रिमाइंडर है ना तो ये डिविडेंड है डिवाइजर ये है क्वेश्चन ये है रिमाइंडर ये है तो डिवाइजर आएगा पहले डिवाइजर है आपका थ्री क्वेश्चन है जीरो रिमाइंडर आपका वन हो गया अगेन अगर नंबर्स देखेंगे तो आपने नंबर ले लिया यार फोर फोर को आप लिख सकते हो थ्री इंटू वन प्लस वन अगला नंबर आपका सेवन है सेवन लिख सकते हो थ्री इंटू टू प्लस वन इस तरह से अगला नंबर अगर आप गैप देख रहे होंगे तो थ्री थ्री का गैप चल रहा है ना थ्री थ्री का गैप है तो यहाँ पे अगर आप थ्री का गैप करोगे तो टेन हो जाएगा मीन्स अगला नंबर टेन आएगा थ्री इंटू थ्री प्लस वन इस तरह से सीरीज चलती रहेगी हमारी तो ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को है ना इन नंबर्स को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ये जो भी नंबर्स हैं लिख सकते हो आ, थ्री है। आपने क्वेश्चन को क्यों ले लिया रिमाइंडर वन कौन कौन से नंबर हैं वन फोर सेवन टेन एंड वन इस सीरीज के जो भी नंबर है उनको इस फॉर्म पे आप लिख सकते हैं है ना? दूसरा अगर देखा जाए इनके बारे में आए इन नंबर्स के बारे में स्टडी करें तो आप देख रहे हो यार को आपको टू को आप लिख सकते हो इजली टू थ्री इंटू ज़ीरो प्लस रिमाइंडर टू अगला नंबर है यहाँ पे फाइव फाइव को लिख सकते हो फाइव थ्री इंटू वन प्लस रिमाइंडर टू अगला नंबर आपका एच है एट को लिख सकते हो आप एट इक्व टू थ्री इंटू टू प्लस टू इस तरह से गैप देख रहे हो तो गैप कितने का यार थ्री थ्री का गैप है मीन्स एलेवन इंटू इक्वस टू थ्री इंटू थ्री प्लस टू और ये सीरीज़ चलती चली जाएगी दैट मीन्स जो ये नंबर्स हैं टू फाइव एट टू फाइव एट एलेवन डेडा डैज ये इन सारे नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो थ्री इन और इनकी जगह पे क्यू ले लें आप प्लस आर टू थ्री क्यू प्लस टू फॉर्म में लास्ट में अगर आप नंबर देखें है ना लास्ट में जो आपकी सीरीज़ है ये चल रही है जब रिमाइंडर ज़ीरो मिल रहा है रिमाइंडर ज़ीरो वाले अगर नंबर देखें तो आप थ्री अगर आप कहेंगे तो थ्री इंटू वन प्लस ज़ीरो अगला नंबर है हमारा सिक्स थ्री इंटू टू प्लस ज़ीरो नाइन थ्री इंटू थ्री प्लस ज़ीरो इस तरह से सीरीज़ चलती रहेगी इन नंबरों को अगर जनरलाइज़ करेंगे तो आप लिख सकते इसको कितना थ्री इंटू क्यू है ना तो आपने देखा यार कि ये या नंबर्स अगर हम नम लोग नंबर्स देखे वन यहाँ पे आया टू यहाँ पे आया थ्री यहाँ पे आ गया फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व है ना इस तरह के सारे नंबर्स आपके कोई भी नंबर छूट नहीं रहा और इनका जो रिप्रेजेंटेशन है या तो थ्री क्यू प्लस वन फॉर्म से कर रहे हो या थ्री क्यू प्लस टू फॉर्म से कर रहे हो या फिर आप थ्री क्यू फॉर्म से कर रहे हो ना? तो ये था कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्री क्यू प्लस थ्री और थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू फॉर्म से बात आती है यार कि क्वेश्चन पेपर में ये तो समझ के लिए था कि ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ना और यहाँ पे क्या, क्या? 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 है क्यू क्या है क्यू एनी इंटीजर्स है क्यू क्या एनी इंटीजर्स है ना तो यहाँ पे आप इसको आ, अगर कहा जाए एग्ज़ाम में क्या ऐसे लिख सकते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि नहीं है ना जो कि मेथड हमारा है बुक का जो मेथड है एक्चुअल में वही प्रीफर किया जाता है जो एन सी आर टी आर डी शर्मा वगैरह में दे रखा है तो उस पर हम इसी ये समझ के लिए था कि हमने समझा जो भी क्वेश्चन पूछ रखा था हमने उसको ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश की अब हमारा ट्राई ये रहेगा कि हम इसको जनरलाइज़ करें एक ऐसा मेथड जो एक बार में सारी चीजों को के चला जाए है ना तो आइए देखते हैं दूसरा मेथड कैसे इस क्वेश्चन को अपन लोग समझ सकते हैं यहां पे आपसे बोल रहा है एनी पॉजिटिव इंटीजर तो आप सबसे पहले लेट कर लेंगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स आप लेट कर लें। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इक्व टू ए है ना कोई भी नंबर ए है आपने जनरलाइज कर लिया कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स ए है और ए की वैल्यू हमारी वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स एंड चलती रहेगी तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स जो प्रूव करना उस पर अगर देखा जाए एक बार नजर डाली जाए तो जो डिवाइजर है वो थ्री है तो आपने कहा जो डिवाइजर है डिवाइजर उसको आपने थ्री ले लिया जब डिवाइजर थ्री है तो बाई ईडीएल एल डिवीजन लेमा आप बोल सकते हो कि इस नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ए टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वेयर जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो जीरो से शुरू होकर के डिवाइजर से एक नंबर कम तक होगी है ना ऐसा आप बोल सकते हो या आप भी बोले आर की वैल्यू क्या होगी ज़ीरो से लेकर के थ्री से जस्ट छोटी है ना थ्री से जस्ट छोटी आप बोल सकते दैट मीन्स यहाँ से इस बात से कंक्लूज़न ये निकला कि पहली बार तो ये क्यू और आर यहाँ पे क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं है ना तो अगर इंटीजर्स की बात करेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी नॉन निगेटिव इंटीजर्स कह सकते हैं ना पॉजिटिव नहीं नहीं फिर जीरो नहीं आएगा आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी वन हो जाएगी यार और टू हो जाएगी क्योंकि आर की वैल्यू थ्री से छोटी होनी चाहिए और इंटीजर होना चाहिए तो थ्री से छोटा इंटीजर टू ही होता है तो आर की वैल्यू जीरो वन टू हो गया जैसे ही आर की वैल्यू जीरो वन टू हुई तो आप बोल सकते हैं ए को रिप्रेजेंट किया जा सकता है जब आपके आर डिफरेंट हो आर जब आपका जीरो है जैसे ही आर जीरो हुआ तो ये हो जाएगी वैल्यू थ्री क्यूब ए की वैल्यू थ्री क्यू हो जाएगी जिससे आर की वैल्यू वन हुई यार है ना आर की वैल्यू वन होती है ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री क्यू प्लस वन जैसे आर की वैल्यू टू होती है तो एक की वैल्यू हो जाएगी आपका थ्री क्यू प्लस टू तो वही आपसे कहा गया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्री क्यू थ्री क्यू प्लस वन थ्री प्लस टू वेयर वेयर क्यू इज any integer any non negative इंटीचर है ना कोई भी नॉन निगेटिव इंटीजर है नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है हमने लेक्चर नंबर पहले फर्स्ट लेक्चर नंबर पे हमने देख रखा था तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन आइए करते और भी क्वेश्चन करते इससे बेटर बेटर क्वेश्चन करने की कोशिश करते कि उन क्वेश्चंस में क्या क्या दे रखा है और उनको सॉल्व करेंगे अपन लोग आपसे पूछ रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स नंबर थर्ड है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म फोर क्यू प्लस वन और फोर क्यू प्लस थ्री वेयर क्यू इज वेयर क्यू इज एनी इंटेजर क्यू क्या यार कोई भी इंटेजर है तो सबसे पहले अगर नंबर की बात करें किन नंबर्स के बारे में बोल रखा है ना क्वेश्चन समझने की बात करें पहले क्वेश्चन ही समझे अरे शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटेजर्स पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है ना उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोर क्यू प्लस वन और फोर क्यू प्लस थ्री से दैट मीन्स यहाँ पे डिवाइजर की जगह पे डिवाइजर पे कौन है यार फोर है ये आइडिया लग गया कि डिवाइजर हमें फोर लेना है डिवाइजर हमें फोर लेना है और नंबर्स कैसे लेने हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं ना तो सबसे पहले अपन लोग पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात करें पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स वो हो जाएंगे हमारे जैसे वन हुआ थ्री हुआ फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन डेटा डैश है ना ये सारे हमारे क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं और इन्हीं के बारे में बोला गया है कि ये जो नंबर्स है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन लोग किसने फोर क्यू प्लस वन से फोर क्यू प्लस थ्री से इसके अलावा और मीन्स फोर क्यू प्लस टू से रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते फोर क्यू से नहीं रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते है ना ये मतलब है इसका कहने का तो आइए देखते हैं अपन लोग यहाँ पे कोशिश करें समझने की कि फ़ोर क्यू प्लस वन या फोर क्यू प्लस थ्री से दैट मीन्स डिवाइजर हमारा फोर आया तो नंबर लेते हैं फोर से डिवाइड करते हैं इन नंबर्स को आपने पहला नंबर उठाया वन वन को फोर से डिवाइड किया कितने टाइम जाएगा जीरो फोर इंटू जीरो जीरो आया रिमाइंडर आपका वन आ गया दूसरा नंबर ले लेते हैं इस बार ऐसा लिख लें थोड़ा सा प्रॉपर वे में दूसरा नंबर अपन लोग थ्री ले लेते हैं फोर को डिवाइड थ्री को डिवाइड किया फ़ोर से ज़ीरो टाइम्स फोर इंटू जीरो जीरो आएगा रिमाइंडर आपका थ्री आ गया अगला नंबर बात करें अगला नंबर आप फाइव ले लेते हो ना फाइव लिया फाइव को डिवाइड किया फोर से तो वन टाइम्स गया फोर इंटू वन फोर आया रिमाइंडर आपका वन आ गया देख रहे यहाँ पे यहाँ पे भी रिमाइंडर वन है यहाँ पे भी रिमाइंडर वन है अगला नंबर सेवन उठाते हो सेवन को जब आपने सेवन को फोर से डिवाइड किया वन टाइम्स गया फोर इंटू वन फोर आया रिमाइंडर थ्री आ गया ना अगला नंबर आप लेते हो नाइन आएगा फोर नाइन को फोर से डिवाइड किया टू टाइम्स गया टू इंटू फोर एट आया रिमाइंडर वन आ गया ना अगला नंबर इलेवन अगर आप लोगे तो इलेवन को फोर से डिवाइड करो यार तो ये आपका टू टाइम्स जाएगा फोर इंटू टू एट आपका रिमाइंडर है ना रिमाइंडर थ्री आ जाएगा अगला नंबर अगर अपन लोग लें तो अगला नंबर है हमारा थर्टीन थर्टीन को फोर से डिवाइड करें है ना थ्री टाइम्स जाएगा फोर इंटू थ्री आपका ट्वेल्व आया रिमाइंडर वन आ गया अगला नंबर फिफ्टीन ले सकते हो फिफ्टीन को आपने लिया फोर से डिवाइड किया थ्री टाइम्स गया फोर इंटू थ्री ट्वेल्व रिमाइंडर आपका थ्री आया आप देख रहे हैं यार दो तरह से ना जब नंबर्स को हम लोग डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं सभी नंबर को फोर से तो एक बार रिमाइंडर वन 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 आता चला जा रहा है दूसरी बार रिमाइंडर थ्री थ्री आता चला जा रहा है ना तो अगर हम आपसे कहें कि जो भी ये नंबर्स हैं कौन कौन से वन फाइव नाइन थर्टीन वन फाइव नाइन थर्टीन डेट एड है ना इस टाइप की जो सीरीज चल रही है नंबर्स की अगर उनको रिप्रेजेंट करने की बात आई तो हमने किससे डिवाइड किया फोर से दैट मींस डिवाइजर कितना है फोर है डिवाइजर फोर ले लिया क्वेश्चन पहली बार जीरो आया फिर वन आया फिर थ्री आया है ना तो क्वेश्चन हमारा जीरो वन थ्री आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि वो आपने ले लिया प्लस रिमाइंडर कितना ले लिया यार रिमाइंडर वन ले लिया ना आपने पढ़ा था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर एक लिट लेमा से आपने कुछ इस तरह से लिखा तो जो ये इस टाइप के नंबर थे उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4Q 1 से दूसरे टाइप के अगर नंबर देखे जाए थ्री सेवन एलेवन सीरीज की बात की जाए सीरीज में नंबर है थ्री सेवन एलेवन फिफ्टीन डैडा डैश आपका ये है ना इस सीरीज के जो नंबर्स हैं उनमें भी डिवाइजर कितना यार फोर है तो फोर ले लिया चिप की वैल्यू जीरो है वन है टू है थ्री है मीन्स कंटिन्यू नंबर चलते चले जा रहे हैं दैट मीन्स क्यू ले लिया रिमाइंडर देखते हैं थ्री तो आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी ऑड नंबर्स थे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स थे वो सारे आ गए कि नहीं देखिए वन यहां पे आए थ्री यहाँ पे आया दोनों हो गए कंप्लीट फाइव यहां पे सेवन यहां पे ये यह भी दोनों कंप्लीट नाइन यहां पे इलेवन यहां पे ये यह भी कंप्लीट कहने का मतलब है सारे इंटीजर्स कवर हो गए है ना और सारे इंटीजर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो या तो हम क्या कर रहे हैं फोर क्यू प्लस वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर फोर क्यू प्लस थ्री से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ये एक्लिट डिविजन लिमा से लिखा गया है ना ये जो लिखा गया वेयर आप बोल सकते हो वेयर क्यू इज एनी नॉन निगेटिव नॉन निगेटिव इंटीजियर है ना क्यों जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजियस है क्यों नॉन निगेटिव की वैल्यू क्या है जीरो भी है वन भी है टू भी है थ्री भी है है ना तो क्यों की वैल्यू जीरो वन टू थ्री दैट मीन नॉन निगेटिव इंटीजर्स में से है तो उन्होंने कहा कि किज एनी इंटीजर्स इंटीज आपका कोई भी इंटीजर्स हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स लॉन्ग डिविजन मेथड्स के थ्रू से हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना समझ आनी चाहिए थी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसमें समझ बन पा रही है कि नहीं है ना अब आते हैं अपन लोग एक वो मेथड जो हमारे बुक में दे रखा होता है उसको कैसे लिखना होता है या उसको कैसे लिखेंगे तो आई थिंक सबसे पहले आप इस मेथड को नोट कर लें क्योंकि नोट करने से क्या होगा कि आपको बाद में रिविजन करने के टाइम पर आसानी होगी चले अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं दूसरा मेथड क्या है जो बुक में मेथड होता है उसके बारे में डिस्कशन करें सबसे पहले अपन लोग एक ही बात करते हैं ना भाई नंबर जो है वो किस टाइप का है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है ना तो आप लोग लेट कर लेंगे लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स पॉजिटिव ऑर्ड इंटीजर्स है ना जनरलाइज फॉर्म कर लें जनरल फॉर्म में कर लें पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आपने लेट कर लिया वो क्या यार ए है वो ए ले लिया आपने और ए हमारा क्या यार ऑड इंटीजर्स है ना ध्यान रखेंगे ऑड इंटीजर्स है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बाय इलेट डिवीजन लेमा क्यों का जो कोफिशियंट है ना वो क्या होता है डिवाइजर तो डिवाइजर कितना यार फोर है डिवाइजर हमारा डिवाइजर इक्व टू फोर अगर डिवाइजर फोर है तो आप बोल सकते हैं बाईड डिविजन बाई लेमा आप स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जिस ए को इस ए को ए को आप लोग लिख सकते हैं फोर इंटू क्यू प्लस आर है ना वेयर जो आर की वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल होगी या जीरो से बड़ी होगी और लेस देन होगी फॉर फोर से है ना जो डिवाइजर होता है डिवाइजर से छोटी होगी आप ऐसा बोल सकते हैं तो यहाँ से जो एक ही वैल्यू आई है ना एक ही जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है या वो देखिए पहले देखिए आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है तो यहाँ से आर की वैल्यू जीरो हो सकती है आर वन हो सकती है टू एंड थ्री फोर नहीं हो सकती रीज़न आप जानते हैं ऑब्वियस रीज़न है देखिए ए को लिख सकते हैं ना आ, आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ले करके ए को आप लिख सकते हैं चार तरह से है ना कुछ ऐसे लिख सकते हैं जब आर की वैल्यू जीरो है है ना आर की वैल्यू जीरो है तो एक ए की वैल्यू हो जाएगी फोर क्यू जब आर की वैल्यू वन है आर की वैल्यू वन है तो आप बोल रहे हो यार फोर क्यू प्लस वन हो जाएगी जब आर की वैल्यू टू है तो आप एक की वैल्यू बोल सकते हो फोर क्यू प्लस टू हो जाएगी जब आर की वैल्यू थ्री है आर इक्व टू थ्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी फोर क्यू प्लस थ्री लेकिन है ना लेकिन आप पहले से जानते यार कि जो ए है बट एक्व टू कैसा नंबर है ऑड इंटीजर्स है ऑड है है ना ऑड इंटीजर है लेकिन यहां पे अगर इस नंबर के बारे में बात करें ये नंबर कैसा है तो ये नंबर टू से डिवाइडेड है परफेक्टली डिवाइड है ना डिवाइडेड है या परफेक्टली डिविजिबल है दैट स ये नंबर हमारा क्या है इवेन है जबकि एक ऐसा है ऑड है ये नंबर इवन है तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते मीन्स इस तरह से को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता दूसरा नंबर देखिए यार फोर की जब दो से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वन छोड़ देगा दैट मीन्स आप बोल सकते हो ये एक्सेप्टेड है फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो टू है ना टू कॉमन करेंगे तो टू फैक्टर के फॉर्म में आएगा दैट मीन्स ये नंबर टू से डिविजिबल है तो टू से डिविजिबल होने पे ये कैसा हो गया यार इवेन और ये कैसा है ऑड मींस ये दोनों आपस में सेम सेम नहीं हो सकते क्योंकि ये इवेन है सॉरी ऑड है ये इवेन है तो इसको भी कैंसिल कर देंगे ए को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते दैट मीन्स ए को सिर्फ दो फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते +1, एक फोर क्यू प्लस वन एक फोर क्यू प्लस थ्री तो ये था हमारा जनरल सोल्यूशन या बुक का सोल्यूशन है ना जो एन सी आर टी ऑडिशन में बाकी अदर बुक फॉलो करते हैं समझ के लिए वही था है ना समझ वहीं से बनती है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको कैसे अपन लोग समझेंगे तो बेसिक वो था बाकी एप्लीकेशन यहाँ पे आपने देखा आइए अगला क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन करें है ना जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करें अपन लोग तो कोई भी पॉजिटिव और इंटीजियर है ना आपने यहाँ एक चीज़ ध्यान दिया अब तक जो भी क्वेश्चन आपने किए जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए वो क्वेश्चन कौन कौन से थे नंबर एक कि कोई भी इंटीजर जो है वो या तो ईवेन या तो ऑड में रिप्रेजेंट किया जा सकता है दैट मीन्स टू क्यू फॉर्म में या टू क्यू प्लस वन फॉर्म में दूसरा आपने देखा था कि कोई भी इंटीजर्स है ना वो जो नंबर्स हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर डिवाइजर थ्री लेते हैं तो थ्री क्यू थ्री क्यू प्लस वन थ्री क्यूब प्लस टू फॉर्म में थर्ड क्वेश्चन आपने ये देखा है ना कोई भी ऑड इंटीजर्स है और जब डिवाइजर फोर है ऑड इंटीजर्स है डिवाइजर फोर है तो उस ऑड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप कितना फोर क्यू प्लस वन से एंड फोर क्यू प्लस थ्री से है ना थोड़ा सा ये मतलब याद रखने वाली चीज़ है कि याद ध्यान रखिए तो बेटर होगा आगे क्वेश्चन समझने में आसानी होगी है ना आप ऐसा बोल सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कभी कभी कुछ रिजल्ट्स जो होते हैं वो ध्यान में रखने से याद रखने से आगे के लिए काम में आते हैं यूज़ में आते हैं तो आइए अगला क्वेश्चन अपन लोग देखें अगला क्वेश्चन पे क्या दे रखा है कह रहा है एन अगर आपका एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो एन स्क्वायर माइनस वन एट से डिविजिबल होता है और अगर इस बात को प्रूफ कर ले गए तो एक तरह से हमारा स्टैंडर्ड भी बन जाएगा कि एन स्क्वायर माइनस वन एट से हमेशा डिविजिबल होता है हमेशा डिविजिबल होता है इस बात को मतलब हम लोग याद रख सकते हैं टिव एग्जाम में है ना इंट्रेंस एग्जाम वगैरह में आपके काम आ सकते हैं तो शो दैट एन स्क्वायर माइनस वन इज डिट इफ एन इज एन ऑड इंटीजर है अभी थोड़ी देर पहले है ना अगर हम आप देखें इन हो क्या कह सकता है पहली बात तो इन इक्व टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर है दैट मीनस वन थ्री फाइव सेवन नाइन कुछ इस तरह की सीरीज चल सकती है है ना ऐसे नंबर्स बोल सकते हैं इनके बारे में क्या ऐसा नंबर हो सकता है अभी इन्हीं नंबर्स को आपने कहा था अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर इनको रिप्रेजेंट करना चाहें इनका जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो आप बोल सकते हैं इनको अपन लोग या इन नंबर्स को ना ये नंबर इनके इक्वल दैट मीन्स इनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो दो तरह से वो कौन सा नंबर है फोर क्यूब प्लस वन फोर क्यू प्लस टू सॉरी थ्री है ना थ्री टाइप से अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा टू गलती से लिख गया। अब कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ये तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग टू क्यू प्लस वन फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं है ना ऐसा मतलब दिमाग में आ सकता है हमारा बिल्कुल कर सकते हैं ना ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को टू क्यू प्लस वन से कर सकते हैं लेकिन जब टू क्यू है ना की वैल्यू टू क्यू प्लस वन ले रहे हो आप तो का जब स्क्वायर करने जाओगे तो कहीं पे एट नहीं मिलेगा आपको और डिविजिबिलिटी दिखानी है एट से तो यहाँ पे नंबर्स इस तरह से लिए जाते हैं मीन डिवाइजर जो डिवाइजर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें है ना क्योंकि तो जब भी नया क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे इस चीज़ को आपको सोचना होगा खुद से सोचना होगा बाय द वे जो बुक के क्वेश्चंस हैं उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बनता है तो कैसे आप टैकल करेंगे उसको कि अगर यहाँ पे ना पहले तो हमारे दिमाग में यही था कि यार कि और पॉजिटिव इंटीजर्स को टू क्यू प्लस वन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर फोर क्यू प्लस वन से या फोर क्यू प्लस थ्री से कर सकते हैं है ना इसके आगे भी और चेक कर सकते हैं जब फाइव डिवाइज़र होगा जब अदर नंबर डिवाइज़र होंगे तब भी चेक कर सकते हैं ना तो अभी हम बस यहीं तक हैं रीज़न ये है कि एट से डिविजिबिलिटी चेक करना है अगर टू की प्लस वन लेते हो एन का स्क्वायर करोगे और माइनस वन करोगे तो कहीं पे आपको एट मल्टीपल फॉर्म में नहीं मिलेगा फैक्टर के फॉर्म में नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम होगी कि आप आई एट नहीं निकाल पाओगे तो फिर एक नंबर डिवाइजर ऐसा चूज करते हो कि आपका अगर स्क्वायर करने पर कम से कम एट फैक्टर के फॉर्म में आना शुरू हो जाए ना न दिखने लगे है ना डायरेक्टली ना दिखे तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली समझ में हो कि हाँ चांसेस हैं मिलने के है ना तो आपने क्योंकि अब अगर फोर के स्क्वायर करते हो ना फोर के स्क्वायर सिक्सटीन जो कि एट के डिविजिबिलिटी में आ सकता है लेकिन टू का स्क्वायर फोर को एट से डिविजिबल नहीं कहेंगे है ना नहीं होगा डिविजिबल परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा तो वही बात हो रही है कि हम एक ऐसा डिवाइजर एक ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जो भी हमारा क्वेश्चन जिस तरह से डिज़ाइन है उसका स्क्वायर क्यूब जो भी है वो करने के बाद जो स्टेटमेंट गिवेन है उस पर सॉल्व होने की उस पर अप्लाई होने के चांसेस बन जाए है ना आप ऐसा बोल सकते हैं तो ये था हमारा फोर क्यू प्लस वन हम क्यू लेते हैं ना फोर क्यू प्लस थ्री हमने क्यू लिया ऑड को ये लेते लेंगे अगर फोर डिवाइजर है तो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई फोर क्यू प्लस वन फोर क्यू प्लस थ्री अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार उसको पहले हम वैसे भी चेक कर सकते थे है ना तो आप इन क्या लेते ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इनकी वैल्यू वन लेते हैं पहला नंबर मिल जाता एन की वैल्यू आप टू लेते ठीक है सॉरी थ्री लेते थ्री यहाँ पे रखते थ्री स्क्वायर माइनस वन एट मिलता ज़ीरो एट एन की वैल्यू आप अगला फाइव लेते फाइव लेने के बाद फ़ाइव का स्क्वायर माइनस वन ट्वेंटी फोर दैट मीन्स एट से डिविजिबल, है ना सारे नंबर आपके एट से डिविजिबल चल रहे हैं तो समझ वहाँ से बन रही कि नहीं ऐसा होता है ना ऐसा होता है इस बात की समझ बन रही है हमारी हमें क्या करना है यार इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन को इक्लेट डिवीजन लेमा से सॉल्व करना है तो यहाँ पे एन की दो वैल्यू हो गई या तो ये हो सकती है या फिर ये वैल्यू हो सकती है अब बात आई या कि यार तो फिर हम लोग दो केसेस भी बना लेंगे यहाँ पे तो हमने दो केसेस बना लिया केसेस ये बनाया कि वेन एन इक्व टू फोर क्यू प्लस वन जब एन की वैल्यू फोर क्यू प्लस वन हो तो फिर एन स्क्वायर माइनस वन क्या होगा ना एन स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या होगी एन की वैल्यू है फोर क्यू प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन इसका स्क्वायर करेंगे फोर का सॉरी ए प्लस बी होली स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो आपका सिक्सटीन क्यू स्क्वायेयर प्लस ये हो जाएगा आपका एट क्यू प्लस वन माइनस वन हाँ सभी को लगभग आता है यार अगर देखिए यहाँ से इन दोनों नंबर्स में से एट कॉमन है एट कॉमन एट इन आपका टू ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर प्लस क्यू देखिए ये भी क्यू क्या है कोई इंटीजर से है ना आप इन इंटीजर्स लिखते हैं ये भी इंटीजर इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर हुआ टू से इंटीजर से मल्टीप्लाई हुआ इंटीजर हुआ नाइन्थ क्लास में पढ़ रखें आप लोग प्लस क्यू इंटीजियर के दो इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है दैट मीन्स ये क्या है इंटीजर हो गया तो जो नंबर था एन स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर माइनस वन एट इंटू एनी इंटीजर आ गया स ये नंबर दो लोगों के फैक्टर फॉर्म में लिख गया है ना फैक्टर फॉर्म में इसका मतलब जो ये नंबर है वो इससे भी डिविजिबल होगा और इस नंबर से भी डिविजिबल होगा ना आप ऐसा जानते हैं यार तो आप लोग लिख सकते हैं हेंस एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय एट अगेन दूसरा केस देखिए ये केस आपने फर्स्ट ले लिया दो केसेस बन रहे थे इनकी दो वैल्यूज हो सकती थी दूसरा केस देखिए ना दूसरा केस क्या यार एन की वैल्यू आप दूसरी ले ले केस टू आपने ले लिया वेन एन इक्वल टू फोर क्यूब प्लस थ्री वैल्यू रखी एन स्क्वायर माइनस वन कैलकुलेट करना है तो फोर क्यूब प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस वन इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपका सिक्सटीन क्यूब स्क्वायर प्लस ये, ये मल्टीपाई ट्वेल्व इंटू टू आपका ट्वेंटी फोर क्यूब प्लस थ्री स्क्वायर नाइन माइनस वन सब्ट्रैक कर लिया यार एट आ गया प्लस ट्वेंटी फोर क्यूब सिक्सटीन क्यूब स्क्वायर एट कॉमन हो गया तो यहाँ पे आ गया आपको टू क्यूब स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब प्लस वन इंटीजर 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 है ना सब कुछ यहाँ पे इंटीजर हो गया ये इंटीजर है एट इंटू एनी इंटीजर्स आप लिख सकते एनी इंटीजर एन स्क्वायर माइनस वन ये हो गया भैया ना तो आप बोल सकते यार कंक्लूजन में कि एन स्क्वायर माइनस वन इक्वस टू क्या है एट इंटू एन एन इंटीजर्स दैट मीन्स ये जो वैल्यू है इससे भी डिविजिबल होगी इससे तो आप कंक्लूजन ये निकला एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय एट मतलब आपने क्या किया यार एक जनरलाइज फॉर्म में है ना इन जनरल बात कर ली इनकी वैल्यू आपने अब इन कुछ भी हो सकता है इन इज एनी ऑड पौ, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना इनकी किव की वैल्यू किव की वैल्यू कोई भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स लें आप तो इन जो निकल करके आएगा वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा है ना समझने के लिए एक बार फिर से अगर अपन लोग देखें बाय द वे कन्फ्यूजन क्योंकि इस बार हमने बेसिक मेथड नहीं लिया डायरेक्ट हमने अप्रोच ले ली अगर क्यों की कोई भी नॉन निगेटिव वैल्यू लेते हैं जैसे नॉन निगेटिव वैल्यू का मतलब है जीरो वन टू थ्री फोर इस तरह से लेंगे जब ज़ीरो लेंगे के की वैल्यू जीरो लेंगे इनकी वैल्यू वन निकल आएगी के की वैल्यू जीरो लेने से इनकी वैल्यू थ्री भी निकल आएगी और वन भी और थ्री भी कैसे हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्यों की वैल्यू वन ले लो जैसे क्यों की वैल्यू वन लेते हो आप तो यहाँ पे फाइव हो जाएगा यहाँ पे वन लेने पे सेवन हो जाएगा तो आगे के ये दो नंबर मिल गए कहने का मतलब है जब आप क्यू की वैल्यू जीरो वन टू थ्री लेते हो तो इनकी वैल्यू हमेशा हमेशा आपको क्या मिलती है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स मिलती है तो इस ये इनको आपने जनरलाइज कर लिया यहां पे ये केसेस ले लिए इस केसेस और दोनों केसेस में इनको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब इनकी वैल्यू ये होगी तब भी इन क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है जब इनकी वैल्यू ये होगी तब भी आपके बचे हुए पॉजिटिव इंटीजर से इस केस के लिए आपने देख लिया कि इन स्क्वायर माइनस वन क्या एट से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक कर लिया प्रूव कर दिया और इस केस के लिए भी कर दिया इस केस से कुछ नंबर कौन कौन से वन फाइफ नाइन इस तरह की सीरीज के नंबर्स के बारे में आपने बताया कि ये सारे के सारे नंबर एट से डिविजिबल हैं इनकी वैल्यू मीन्स आपकी क्या लेने पे इनकी वैल्यू One, five, nine. ये वाला केस चल रहा है ना? तो है ना क्योंकि वैल्यू जैसे जीरो वैल्यू जीरो डालेंगे तो इनकी वैल्यू वन निकल आएगी यहाँ पे क्योंकि वैल्यू वन डालोगे तो फाइव निकलेगी है ना और फिर नाइन निकल आएगी इस तरह से ऐसे सीरीज जब एन की वैल्यू वन फाइव नाइन है तो एन स्क्वायर माइनस वन हमारा क्या है एट से डिविजिबल हो रहा है दूसरा केस ये है कि जब एन की वैल्यू जीरो है ना तो आप दूसरा देख रहे हैं यार इन यहाँ से थ्री आ रहा है और सेवन आ रहा है और इलेवन आ रहा है बाकी बचे हुए जो भी आपके ऑर्ड पॉजिटिव इंटीजर हैं इस केस पे आ रहे हैं तो इस केसेस पे भी है ना इनकी वैल्यू ये थ्री सेवन एलेवन लेने पे भी एन स्क्वायर माइनस वन जो है वो एट से डिवेज मिला रहे हैं दैट मीन्स ओवरऑल जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको लेकर के एन स्क्वायर माइनस वन करते हो है ना मीन्स और पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर माइनस वन करते हो तो वो नंबर हमेशा हमेशा हमारे क्या हो रहे हैं यार एट से डिविजिबल हो रहे हैं इस बात को आपने प्रूव कर दिया है ना तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और भी इसके ए से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं है ना बोर्ड एग्जाम में आपकी जो जो भी से भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में एक बार और स्टडी करते हैं मीन्स कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे अपन लोग कोशिश करेंगे कि मतलब डिटेल में सारी बातें समझ में आए और चैप्टर को थोड़ी कंप्लीट मींस कोई भी कंफ्यूजन ना रह पाए आपके पास मींस कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत ना पड़े कंप्लीट सिलेबस यहीं पे कवर हो जाएगा हमारी ये कोशिश रहेगी तो मिलते हैं अगले लेक्चर लेक्चर नंबर फाइव में और पढ़ते हैं इसी के आगे के और भी बेटर क्वेश्चन और नेक्स्ट कंसेप्ट थैंक यू सो so मच